हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज बेंगलुरु से मेरे साथ है सुधांशु मोहंती जी। सुधांशु मोहंती इज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। ही यूज्ड टू बी ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस एंड ही रिटायर्ड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स एंड द फाइनेंशियल एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इससे पहले सुधांशु जी हमारा रक्षा मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार थे और ये मैं दूसरे बार उनके साथ साक्षात्कार कर रहा हूं। माई फर्स्ट इंटरव्यू विद हिम वाज पब्लिश्ड ऑन द 28th of April। और आज हम हमारे जो वार्तालाप है थोड़ा बहुत आगे बढ़ाएंगे। उस समय उन्होंने कहा कि ये पीएम केयर्स, इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। पीएम केयर्स यानी कि प्रधानमंत्री, और अंग्रेजी में है ये कहते हैं एक्रोनिम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। उन्होंने सवाल उठाया क्या जरूरत था एक और ऐसे एक संस्था का जब हमारे पास प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है, यानी कि राष्ट्र जो जो आपदा में जो लोग उसमें दान कर सकते हैं। अलग अलग मुख्यमंत्री का रिलीफ फंड है और राहत का एक कोष है, साथ साथ हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, जो आपदा का प्रबंधन करने के लिए जो कानून है उसके वहां पे भी एक है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, और राज्य सरकार के पास भी ऐसे डिजास्टर रिस्पांस फंड है। साफ बात, एक और फंड का क्या जरूरत था? तो सुधांशु जी ने, रामचंद्र गुहा ने कहा कि ये एक तरह से प्रधानमंत्री का जो पर्सनालिटी है ये बनाने के लिए है, दिखाने चाहते हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री, ओनली द पीएम केयर्स। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सुधांशु जी हैड गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग एंड राइटिंग दैट दिस वाज ऑलमोस्ट लाइक ए मुगल एरा जजिया, अ टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। क्योंकि उस समय हमारे जो वित्त मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, 17 मार्च इन्होंने एक सर्कुलर इशू किया, सारे जो सरकारी अफसर है उनको बोला कि आने वाले 12 महीना में हर महीना एक दिन का तनख्वाह हम पीएम केयर्स में डाल, और अगर किसी का कोई आपत्ति है, नहीं चाहते हैं, तो ये हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, जो जो वित्त मंत्रालय में है, वहां के ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर को आप जनाइए, या सीधा आपको मालूम पड़ेगा कि कौन नहीं देने चाह रहे। और सुधांशु जी ये भी कहा कि ये एक तरह से कोअर्सिव एक्शन, आप इट्स नॉट अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, आप किसी को दान कर रहे हैं या किसी ने आपके बोल रहे आपको दान करना ही पड़ेगा, जबरदस्त आपको देना ही पड़ेगा। तो सुधांशु जी धन्यवाद, आपने आपका समय न्यूज क्लिक का दर्शक को एक बार और दिया। डू यू स्टिल स्टैंड बाय व्हाट यू सेड? क्योंकि आपका ये लेख छपने के बाद वायर में आपने हमारे साथ जो इंटरव्यू किया था, इसके बाद हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वित्त मंत्रालय में, दे विथड्रू दिस सर्क्यूलर। सो यू स्टिल बिलीव दैट दिस वॉज अकिन टू कोअर्सिव एक्शन एंड नॉट asking for a voluntary contribution? Yes, I think I absolutely believe that this is coercive and it should have been entirely voluntary. But even coming to this point, the first question that arises is, did we really need this fund? आई नो आप इसको एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, इसी फंड का तो बिल्कुल कोई जरूरत भी नहीं था। अगर इसको बनाए तो कम से कम आपको वॉलंटरी करना चाहिए, ये तो मिनिमम था। ये जो जबरदस्त बोलना हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एक दिन का तनख्वाह 12 महीना के लिए 2020 और 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर में ये करना, मेरा ख्याल से मैं कहूँगा ये वॉलंटरी नहीं है। अगर ये वॉलंटरी नहीं है
तो ये ऑटोमेटिकली बन जाता है ये कंपल्सरी, मतलब कोएक्सिफ। सुधांशु जी, पिछले बार हम बात किया था, उस समय आपने कहा था आप जब रक्षा मंत्रालय में थे उस समय का जो रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी, उन्होंने कहा था वहां के वॉर विडोज के लिए एक फंड चाहिए, मगर वो बार बार कहा कि हमारा नाम नहीं चाहिए कहीं भी। मगर आप जब देख रहे हैं जो आज CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उनका पॉलिट ब्यूरो का स्टेटमेंट में लिखा कि ये पीएम केयर्स के लिए जब आप दान मांग रहे, हर विज्ञापन में हर सूचना में आप प्रधानमंत्री का तस्वीर देख रहे हैं, आप नेशनल एम्ब्लेम देख रहे हैं जो अशोक चक्र है, तो सवाल ये है आप कह रहे ये एक निजी ट्रस्ट है, इट इज अ प्राइवेट ट्रस्ट सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्डर, और आप कह रहे ये जो हमारे CAG है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट दे विल नॉट ऑडिटेड, इट विल बी ऑडिटेड सेपरेटली। और जब एक साकेत गोखले ने एक सूचना का अधिकार कानून राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से ये सवाल उठाया कि आपने बताइए इस क्या कहते हैं इस पीएम केयर्स फंड के बारे में बहुत सारे सूचना दीजिए, उनका जवाब आया कि ये एक निजी ट्रस्ट है, ये एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, That comes under the RTI Act. आप पब्लिक से पैसे ले रहे हैं मगर आप पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ पब्लिक को नहीं बताने चाहते कहां से पैसा आ रहे है, कौन कितने पैसे दे रहे हैं, किसके लिए खर्च हो रहे हैं। Why this lack of transparency, Mr. Mohanty? I think the first question is the very question of setting up a private fund issued by the government where the prime minister is the chairperson and claiming that to be a private trust where the other trustees are, if I remember correctly, the Home Minister, the Finance Minister, and possibly the Defence Minister. This itself suggests that this is not a private trust. If it were a private trust on the basis of a notification issued by the Government of India, there was no need for a notification at all from the Government of India. There's no necessity for using the national emblem, the Prime Minister's photograph, for a private trust. Even more to it, if I may say at this stage, that the kind of things which have been done for this particular so-called private trust or fund is never granted to any other funds, including any funds which are raised by the in the state governments, in the name of the chief minister, like any corporate social responsibility, the CSR funding, the MP lads, the entire range of concessions which have been given to this particular private fund, that itself becomes a very questionable thing. I cannot understand that how the Government of India can extend such concessions to a private fund or trustee, which is not even extended to the chief ministers of the different states for similar activities. Mr. Mohanty, as you have rightly pointed out, the Companies Act of 2013 was amended so that funds to PM CARES are exempt from payment of tax. The donations are exempt from payment of tax.
आप बिल्कुल ठीक कहा, ये जो एमपी लैड्स, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसके 2 साल के पैसा इस पीएम केयर्स फंड में चले गए हैं। हम पहले भी बताया ये सीएजी का ऑडिट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑडिट नहीं है, जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रस्ट, एज यू हैव पॉइंटेड आउट, दिस इज अ प्राइवेट ट्रस्ट सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्डर, फिर भी प्रधानमंत्री इनका जो अध्यक्ष है, आपका हमारे गृह मंत्री है ट्रस्टी, हमारा रक्षा मंत्री है ट्रस्टी, मगर आप इनसे अगर तुलना करेंगे, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय जो राहत कोष है, द पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड, इफ दैट इज इंडीड विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू रिकॉल, इट वॉज नॉट जस्ट the ex officio prime minister, home minister, defense minister who were members of the trust, but also the leader of the opposition. तो मेरा कहना ये है कि अगर आप प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय राहत कोष है, इसमें अगर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष यानी कि सोनिया गांधी मेंबर है, is that the reason? यही कि असली कारण है कि एक नया एक संस्था जैसे पीएम केयर्स बनाने का जरूरत पड़ा, जिसमें हमारे विरोधी दल जो भी है, देयर विल बी नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपोजिशन। आप क्या समझते हैं यही कारण है? मेरे ख्याल से मैं एक सेकंड आर्टिकल पे लिखा था जो न्यूज क्लिक के लिए, जहां मैं लिखा था ये जो फंड है, ये जो फंड का कई डेफिशिएंसीज है, लेकिन एक तो डेफिशिएंसी है, जबरदस्त डेफिशिएंसी मैं कहूंगा, जो चीज यहाँ अभी जो स्टेटमेंट सब दिए हैं डिफरेंट पार्टीज, और जो आप जो साकेत गोखले का बारे, उनका आरटीआई के बारे आप बताए, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मेरा पहला जब मैं सोचता हूं, अगर ये एक प्राइवेट ट्रस्ट भी है, ये तो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट का मतलब मैं कहूंगा ये भरोसा है, ये जो भरोसा है, ये भरोसा में तो कम से कम जो जिन लोग ने उसको डोनेट किए हैं, उन लोग को तो पता होना चाहिए उनका पैसा जो डोनेट किए हैं वो कैसा इस्तेमाल करते हैं। And I had specifically mentioned, I think in the last sentence of that article, that my right to know is where the funds, the raison d'etre of the fund begins. Uh-huh. And that is my right to know. Theek. And agar ye cheez kai aadmi, chalo political parties hua, प्राइवेट सिटीजन्स हुआ, जो डोनीज भी हुए, इन लोग को तो बिल्कुल जानना चाहिए ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट इज अ क्रूशियल वर्ड, इवन इफ इट इज अ प्राइवेट ट्रस्ट, इट सेज दैट इट शुड बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। मोहंती जी, जैसे प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है, पीएमएनआरएफ है, यहां से आप बजट से कोई पैसा नहीं दे सकते। अब अगर कोई सरकारी संस्था है, कोई पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, यू कांट कंट्रीब्यूट टू दैट। जैसे हम लोग कहा, पीएम केयर्स अलग है, कोई भी दे सकते हैं। और आपको याद है कि ये 28 मार्च जब घोषणा किया था, ठीक लॉकडाउन का 4 दिन के बाद, और उस समय हमारे जो सांसद है, पार्लियामेंट वॉज काइंड ऑफ अबाउट टू एडजर्न, दैट्स द टाइम इट वॉज पुट टूगेदर। एंड दैट्स नॉट ऑल, that's not all, as soon as it was announced, almost by cue, we had a whole list of people who announced handsome contributions. Notable among them was the citizen of Canada, a well-known actor, Akshay Kumar, who's interviewed the Prime Minister about how he eats mangoes, and among other things he said he alone is giving 25 crore rupees. And then there was a long list of stars from Bollywood, cricketers, I named them, but I think their names need to be recounted. Kartik Aryan, Varun Dhawan, Sachin Tendulkar, Rohit Sharma, Suresh Raina,
देन विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, करण जोहर, सोनम कपूर, आयुष्मान खुराना, एंड ऑफ कोर्स ट्रस्ट्स एंड फाउंडेशंस आर कंट्रोल्ड एंड हेडेड बाय द टू रिचेस्ट मेन इन इंडिया, श्री मुकेश अंबानी एंड श्री गौतम अडानी. नाउ व्हेन a petition, a public interest petition was put up in the Supreme Court. The Supreme Court rejected it. It threatened the petitioners and said, you pay a fine. This is a frivolous petition. This has been politically motivated. But the controversies around this fund still hasn't died down. Why? I think the the basic thing in this particular country all along, and especially exacerbated in the last 6 years, is lack of transparency and our love for opaqueness. I mean, this transparency should be the bedrock of any democracy. I still recall that when the Prime Minister, the new government came in into 2014, I was an additional secretary then in the Ministry of Environment Forest. There was a demand that we need to upload all important circulars and the activities on the net. And we thought in 2014 that possibly this is going to be the beginning of a new era. But far from that, what we saw as the years, as we went ahead with the years, that the opaqueness grew, transparency shrunk. And I still can't understand why the Supreme Court, I think they used, if I recall rightly, they said that about the PIL, that this is misconceived. And he said there is a political color. I mean, this is a simple thing, as clear and simple as daylight. All right. And the least that ought to be done is that this fund should be made completely transparent. Every transaction, every donations, right, as well as every transaction should be made public. Okay. You have already told us how the PM National Relief Fund, as well as the National Disaster Response Fund under the Disaster Management Act of 2005, offer you greater flexibility. The State Disaster Response Funds, the Chief Minister's Relief Funds, all provide you greater transparency and greater flexibility, whether it be for those who have suffered on account of natural disasters as well as man-made disasters. Now, let's give it the political color that we want it to, because it's not just the Communist Party of India, Marxists, and the Indian National Congress. They've both been shouting. They pointed out that an estimated 10,000 crore rupees, 10,000 crore rupiya PM CARES mein aa gaya. Isme 4,000 ke lagbhag sarkari sanstha aur sarkari employees, sarkari jo karmchari hai, in log ne 4,000 crore diye, ye jo 10,000 crore aaye. अभी कह रहे हैं हमारे पुराने जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड, उसमें 3,800 करोड़ अभी भी कॉर्पस है, अनयूज्ड कॉर्पस. फिर भी मैं दो जो कांग्रेस का प्रवक्ता, एक है शमा मोहम्मद, वो इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा, और 5 जुलाई को गौरव वल्लभ, वो भी भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने 2-3 सवाल उठाया. तो बोला कि आपने 2000 करोड़ रुपया ये पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर खरीदने के लिए आपने दिया. अगर ये पहले आपने 60,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया, अभी ये साफ नहीं है, ये जो 50,000 वेंटिलेटर, जो पहला जो 40,000 वेंटिलेटर आपने ऑर्डर किया वो है या इसके, इज इट एन एडिशनैलिटी और आर दे सेपरेट, ये साफ नहीं है. प्रधानमंत्री का दफ्तर में जो रिलीज लिखा है वो 1,340 23 जून तक. अब एक और आंकड़ा हमारे पास है कि कम से कम 20,000 ऐसे वेंटिलेटर अलग अलग अस्पतालों में जून के महीना तक दे. अब जो विवाद आ गया कि इसका कीमत कितना होना चाहिए,
अगर आप प्रधानमंत्री का दफ्तर का रिलीज में देखिए तो हर वेंटिलेटर का दाम 4 लाख रुपए है। फिर एक कंपनी है अग्वा हेल्थ केयर, जिसको पास 10,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर मिला है, वो 1.5 लाख में दे रहे हैं। मगर बहुत सारे जो स्वास्थ्य केंद्र है और अस्पताल है बोलिए ये ऐसा है वेंटिलेटर हमें नहीं चाहिए। गुजरात में भी एक बड़ा एक विवाद हो गया कि एक ज्योति सीएनसी करके एक कंपनी है, वो जो कहते हैं आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट को वेंटिलेटर कह के बेच रहे, मेक इन इंडिया का तारीफ हो रहा है। सो वी आर नॉट क्लियर किस तरह से ये वेंटिलेटर खरीद जा रहे हैं, ओपन टेंडरिंग है, कोई कंपिटिटिव बिडिंग प्रोसेसेस, और इसके ऊपर एक के ऊपर विवाद हो रहे हैं कि ये जो वेंटिलेटर है किस तरह से सरकार ने ये खरीदा, कौन सा कंपनी, 20,000 वेंटिलेटर्स फ्रॉम स्कैनरे टेक्नोलॉजीज, 10K फ्रॉम एक्वा हेल्थ केयर, द प्राइस, द प्रोसीजर, एंड ऑफ कोर्स व्हाट वी सॉ इन गुजरात नॉट सो वेल। सो पीपल आर एक्चुअली वंडरिंग if the government is profiteering at this time of a pandemic, putting patients at risk, using substandard equipment. These are very, very serious allegations. What are your views? I mean, as I say, the transparency is the bedrock of any democracy. If transparency ruled here and everything was put out in the public domain, including, and I repeat, including the procurement, the processes involved, the methodology followed in the procurement and the prices thereon, I don't think there would have been any controversy. People would have come to know. And also let me say that one of the biggest advantages of the right to information, if it is a functional right to information, is that putting out information in the public domain itself acts as an ombudsman. It is an ombudsman. It is a deterrent to anyone doing or conceiving or thinking or imagining any wrongs. This, when it is not done, the questions which are being raised today, the ones that you mentioned, these are the inevitable outcome of opaqueness, period. Sudhanshu Mohanty ji, mera aakhri sawal aapke saath. ये जो आरटीआई का जो सवाल उठाया था साकेत गोखले, जिसका जवाब आया कि ये पीएम केयर्स फंड ये एक निजी ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट है, ये एक सार्वजनिक संस्था नहीं है, इट इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, एंड हेंस जो आरटीआई एक्ट है, जो सूचना का जो अधिकार है लोगों का मिलना, जो कानूनी अधिकार है, वो इसका उनको नहीं मिलेगा। 11 जून बहुत लोग आश्चर्य हो गए थे, ये सारे हुए थे 6 जुलाई को इनको मिला ये जवाब प्रधानमंत्री का दफ्तर से या पीएम केयर्स इंचार्ज। 11 जून में एक प्रधानमंत्री का ये जो पीएम केयर्स का जो वेबसाइट है अपडेट हो गया, और उसमें वेबसाइट में लिखा है कि एक स्वाधीन यानी कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर को नियुक्त किया गया है, ही हैज बीन अपॉइंटेड। कौन है ये? सार्क एंड एसोसिएट्स। ये कौन है? हु इज द हेड ऑफ दिस? अब जेंटलमैन कॉल्ड सुनील कुमार गुप्ता। उनका अपना वेबसाइट में क्या लिखा है? ही इज अ बिजनेस एक्सपर्ट, ही इज एन इकोनॉमिस्ट, ही इज एन ऑथर, ही इज अ फिलेंथ्रोपिस्ट। और सबसे हमें लगा कि ये भाई साहब बहुत सारे सरकारी संस्था में वो सलाहकार है, ही इज एन एडवाइजर टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, नॉर्दर्न रेलवेज, ही इज विद द
Noida, the New Okhla Industrial Development Authority, the Greater Noida Industrial Development Authority, the Yamuna Expressway Industrial Development Authority, the Delhi and District Cricket Association. So he's a really versatile person from what I understand. And everything in the public domain, he has pictures with Prime Minister Narendra Modi, with important ministers and leaders of the Bharatiya Janata Party like Piyush Goyal, Anurag Thakur, Manoj Tiwari, Rajiv Pratap Rudi, Kiran Rijiju. And his company, Sark & Associates, is a statutory central auditor of the Oil and Natural Gas Corporation, the General Insurance Company of the State Bank of India, the Indian Overseas Bank, the Reserve Bank of India. I could go on and on. And earlier with Punjab National Bank, Bank of Baroda, Bank of India, Corporation Bank, it's a long, long list. And what is important? When the auditors of the PM National Relief Fund were changed in 1819, this was the company, Sark & Associates, that was appointed the auditor. Your comments and your closing remarks. I think the very idea of setting up of the PM CARES Fund was entirely superfluous and it was supernumerary. There was just no need for this particular fund. And even if the fund was set up, it shouldn't have been set up in the first instance. There was no need, absolutely no need, no logic, no necessity for this. I would say that even if it was set up, possibly this fund, after it had been critic in the public domain, should have been merged with the PM National Relief Fund. And like the PM National Relief Fund, this should have been subject to audit by the CNAG. Coming back to the PM CARES as a private trustee, the least that would be done, if at all, it had to be set up to take care of the pandemics, which I know that it is, it is just a kind of an excuse when Prime Minister National Relief Fund would have been enough to meet this requirement. It should have been run entirely on the basis of complete transparency, to the extent that all the transactions, which would include the donations as well as the expenditure, should have been put out in the public domain so that there is no misgivings on the part of the general public, also the ones who have donated, including the ones like the government servants or the MPs whose MP local area development fund has been taken away for the next 2 years to this particular fund, could have been avoided. That is my complete, clear, unambiguous belief how this fund should have been run. And the way it is at present, Sudhanshu ji, it is essentially a vehicle to promote one man, the Prime Minister of India, Narendra Modi. Would I be correct in saying that? I think I've mentioned this, that everything today, these days, whatever acronym, whether in Hindi or in English, they collapse to something which shows the Prime Minister in great light. It shows his kindness, his piety, and all that he does and cares for the citizens of this country. Thank you so much. Dhanyavad. Thank you. Sudhanshu Mahanti ji. You didn't mince your words. You didn't pull your punches. Thank you very much for speaking once again
टू द व्यूअर्स ऑफ न्यूज क्लिक, और आप लोग देखते रहिए न्यूज क्लिक. Thank you.